Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, in our previous lecture we did unit number 10, right? हम chapter number 10 किया था English grammar में. So what was the name of chapter number 10? What they do for us? वे हमारे लिए क्या करते हैं? मतलब हमें इसपे कुछ characters दिए थे जो हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं. So, चलो एक बार रिवाइज कर लो. ब्रेड एंड बिस्किट. ब्रेड और बिस्किट कौन बनाता है? बेकर. देन फर्नीचर कौन बनाता है? कारपेंटर. आर्टिकल्स ऑफ आयरन. आयरन मतलब लोहे और स्टील की जो चीज है वो कौन बनाते हैं? आयरन स्मिथ. फिर जो फोर व्हीलर मीन्स ड्राइव करते हैं, जो गाड़ी चलाते उसे क्या कहते हैं? ड्राइवर. जो शॉप चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शॉपकीपर. जो इलेक्ट्रिक जॉब्स करते हैं, इलेक्ट्रिक जॉब मतलब आपके घर में जो वायर्स होते हैं, जो प्लगिंग का और वायर्स का जो लाइट से रिलेटेड होता है वो कौन करता है? इलेक्ट्रिक जॉब, इलेक्ट्रिशियन. आप मत करने जाना, आपको नहीं आएगा, फिर शॉर्ट लग जाएगा, उससे बेटर आप करना ही मत. इलेक्ट्रिशियन को, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज की प्रॉब्लम हुई घर में तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ. ओके. फिर टेप्स एंड पाइप. हमारे घर में जो नल होता है, फिर पाइप्स होते हैं, वो कौन रिपेयर करता है? जो नल है, बड़े बड़े पाइप्स है, राइट, वो कौन रिपेयर करता है? प्लम्बर. फिर मेल. हम तक मेल कौन पहुंचाते हैं? मैं ईमेल की बात नहीं कर रही हूँ, जो लेटर्स होते हैं या तो कोई दूसरे शहर से इस शहर में कुछ आपको कुछ पेपर भेजना है तो वो कौन आपको घर पे डिलीवर करता है? पोस्टमैन. पोस्टमैन आपको डिलीवर करके जाते हैं ना, अगर किसी का पार्सल आता है या तो कोई लेटर्स आते हैं, कोई मेल्स आते हैं, राइट. फिर फायर एक्सीडेंट. जब कहीं आग लग जाती है तो कौन बुझाने आता है? फायर ब्रिगेड. पर फायर ब्रिगेड तो वो गाड़ी लेकर जो आते हैं वो फायर ब्रिगेड है. आग को कौन बुझाता है? फायरमैन. जो उनमें मैन होते हैं वो कौन होते हैं? फायरमैन. फिर आप जब बीमार पड़ जाते हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो कौन आपको ठीक करता है? डॉक्टर. फिर आपको स्कूल में कौन पढ़ाते हैं? टीचर. अभी तो स्कूल में नहीं, पर ऑनलाइन लेक्चर में भी कौन पढ़ा रहा है आपको? टीचर. ओके. सो ये चीज आपको सब जो 12 पर्सन दिए है, बेकर, कारपेंटर, आयरन स्मिथ, ड्राइवर, शॉपकीपर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पोस्टमैन, पुलिसमैन, फायरमैन, डॉक्टर, टीचर, ये सब आपको लर्न करना है और याद करना है. ओके. ओके. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. और उस न्यू चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर नंबर कौन सा है? 11. वॉट इज द चैप्टर नेम? Nouns, collective. Okay. So, अब तक आपने कितने टाइप्स के नाउन लर्न किए? टिल नाउ अभी तक हमने नाउन, पहले तो नाउन रीड किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसके बाद हमने कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन लर्न किया, एंड उसके बाद हमने प्रॉपर एंड कॉमन नाउन लर्न किया, राइट. एक बार वो भी मैं बता देती हूँ. कॉन्क्रीट नाउन मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन मतलब क्या होता है? जिसे आप देख सकते हो, जिस चीज को, जिसे आप टच कर सकते हो, उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं. ये आपको मार्कर दिख रही है, ये मैं देख भी सकती हूँ और टच भी कर सकती हूँ. बुक दिख रही है, इसे मैं देख भी सकती हूँ, टच भी कर सकती हूँ. तो ये क्या हुआ? कॉन्क्रीट नाउन. वैसे ही आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके लिए होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो चीज को आप देख भी नहीं सकते और ना ही आप उसे टच कर सकते हो. सो जिसे आप देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आप सिर्फ फील कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से
पॉवर्टी। आपको दिख रहा है कि इंसान है वो गरीब है, पर आपको क्या उसकी गरीबी दिख रही है? नो, वी कांट सी हिज गरीबी। आपको पता है, आपको एक बच्चा दिख रहा है, पर उसका क्या बचपन दिख रहा है? नो, सो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी कैन जस्ट फील इट, वी कांट टच इट और वी कांट सी इट। ओके, आपको ये दोनों में याद रखना। कॉन्क्रीट नाउन मतलब यू कैन सी एंड टच इट, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब यू कैन नॉट सी और टच इट, ना ही आप देख सकते हो ना ही आप टच कर सकते हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कॉन्क्रीट नाउन जिसे आप देख सकते हो और उसे टच भी कर सकते हो। ओके, सेम वे आता है प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन ये भी सेम है। प्रॉपर नाउन जो है उसमें पर्टिकुलरली कोई पर्सन का नेम या तो कोई जगह की नेम दिया होता है। सपोज मेरा नाम शबाना है, सो प्रॉपर नाउन हुआ। आपका नाम जो है वो प्रॉपर नाउन हुआ। मम्मी का जो नाम है वो प्रॉपर नाम है। डैडी का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। कोई भी जगह का, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ झांझा रोड, रायजी बाग, मोती बाग, काड़वा चौक, या जूनागढ़, राजकोट, बड़ौदा, गुजरात, महाराष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, मैं कोई भी सिटी का नाम बोलूं, कंट्री का नाम बोलूं, प्लेस का नाम बोलूं, वो सब क्या है? प्रॉपर नाउन। वो सभी क्या है? प्रॉपर नाउन। फिर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जो कॉमनली सबके लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स, आप सब स्टूडेंट्स हो, तो इसमें से स्टूडेंट गर्ल भी स्टूडेंट है, बॉय भी स्टूडेंट है, टीचर तो मैडम भी है और सर भी है, राइट? फिर बेबी, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है, राइट? सो क्या है? कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? जो हम वर्ड एक ही पर्सन के लिए यूज करते, मीन्स एक वर्ड होता है, एक ही वर्ड होता है पर बहुत सारे पर्सन के लिए होता है, राइट? एक ही वर्ड यूज करते हैं बट कॉमनली सबके लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं। फिर प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर किसी का नेम या तो कोई कंट्री, सिटी, इन शॉर्ट कोई प्लेस का नाम। ओके, सो नाउ आपको आई थिंक ये फोर में तो डाउट नहीं होगा। कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो नाउ आज का आपका टॉपिक क्या है? कलेक्टिव नाउन। ये फोर नाउन के बारे में आपने जान लिया है। आज हम नया टॉपिक लर्न करेंगे, वो है कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्ट मतलब क्या होता है? कलेक्ट मतलब टुगेदर। कलेक्ट मतलब क्या होता है? टुगेदर। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। कोई भी चीज जब आप इकट्ठा करते हो उसे कहते हैं कलेक्ट। सो उसे कलेक्ट मतलब क्या होता है? टुगेदर। ये जो पॉइंट है दिस वन, ये आपको नोटबुक में भी लिखना है। आज की आपको डेट लिखनी है, फिर आपको चैप्टर का नेम लिखना है, चैप्टर नंबर 11, नाउन, कलेक्टिव नाउन, राइट? उसमें आपको पहले ऐसे स्टार करके लिखना है। कलेक्ट मीन्स टुगेदर, कलेक्ट मतलब टुगेदर होता है। ओके, अगर आपके पास नोटबुक है तो चलो कम ऑन ये लिख लो जल्दी। ओके, सो कलेक्ट मतलब क्या होता है? टुगेदर। नाउ सी कलेक्टिव, हमें लर्न करना है कलेक्टिव। कलेक्ट मतलब तो आपको पता चला टुगेदर, इकट्ठा। सो सभी एक साथ होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, वो ग्रुप का जो हम एक नेम चूज करते उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मतलब एक ग्रुप होता है और उसका हम नेम रखते हैं, वो जो ग्रुप का नाम होता है ना उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं उसे? कलेक्टिव नाउन।
समझ में आया? ग्रुप होता है, कोई भी एक ग्रुप है उसके लिए एक पर्टिकुलरली नेम दिया है। आप सब बच्चों का ग्रुप है, आप क्लास में पढ़ रहे हो तो आप सब क्या कहलाओगे? क्लासमेट। क्या कहलाओगे? क्लासमेट। आप सब जो स्टूडेंट्स हो वो क्लास में बैठे हो तो आप क्या कहलाओगे? क्लासमेट। हम टीचर्स है, हम टीचर्स एक साथ जब मिलते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? स्टाफ। क्या कहलाते हैं? स्टाफ। फिर पूरा जो ग्रुप होता है सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उनसे क्या कहते हैं? आर्मी। फिर कोई एक रॉबर्स, रॉबर्स मतलब चोर, चोरों का जो गैंग होता है उसे क्या कहते हैं? बैंड, गैंग। फिर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, मतलब एक खिलाड़ी, दो खिलाड़ी, तीन खिलाड़ी, ऐसे बहुत सारे जब प्लेयर इकट्ठा हो जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? टीम। सो पूरे जो ग्रुप के, एक पूरा ग्रुप होता है उसके लिए वन वर्ड दिया होता है, वो पूरा ग्रुप के लिए एक ही वर्ड दिया गया होता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अभी मैं आपको डेफिनेशन लिखा रही हूँ, आपने ये लिख लिया स्टार्ट करके, कलेक्टिव नाउन मतलब टुगेदर। अब आप नीचे लिखना कलेक्टिव नाउन, ठीक है, उसका हेडिंग दो और फिर हम उसके नीचे डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, सो ऐसे वन लिखो और उधर लिखो कलेक्टिव नाउन, एरो करिए, और मेरे साथ लिखना हो तो मेरे साथ लिखो, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिखना है तो भी इट्स ओके। ओके, सो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ए ग्रुप of common noun. Yes, ये जो नाम दिया गया होता है, common noun मतलब क्या होता है? जो commonly हम एक word use करते हैं। So collective noun तो हो सकता है ना, collective noun मतलब क्या है? जो हम नाम देते हैं, collective noun is the name. किसका name है? Given to the group, ग्रुप को दिया गया होता है। सो कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू द ग्रुप, ग्रुप को दिया गया होता है ऑफ कॉमन नाउन, जो कॉमन नाउन का, कॉमन नाउन मतलब जो हम कॉमनली यूज करते हैं, राइट? सो उसके ग्रुप को जो हम नेम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। देखो मैं रीड करती हूँ, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप, वो ग्रुप को नेम दिया गया होता। सी, ग्रुप हमेशा बच्चों एक से नहीं बनता, या तो उसमें दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, पर एक अकेला इंसान कभी ग्रुप नहीं बना सकता। ओके, ग्रुप मतलब एक से ज्यादा पर्सन जब ज्वाइंट होता है ना उसे हम ग्रुप कहते हैं। सो जब वो ग्रुप बनाता है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। ये जो नेम दिया गया था ग्रुप को, एक ग्रुप को जो नाम दिया गया था, कॉमन नाउन का जो ग्रुप है उसको जो नाम दिया गया होता उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। कंफ्यूज मत होना, और एक बार सुनो, कॉमन नाउन का जो ग्रुप है, राइट, कॉमनली जो यूज करते उसका जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी, क्लास, टीम। ओके, सो ये तीन एग्जांपल देखो, आर्मी, सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी कहते हैं,
स्टूडेंट्स जिस रूम में बैठते हैं उसको क्लास कहते हैं। एक साथ एक ग्रुप में ही बैठते हैं ना आप क्लास में, तो क्लास कहते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। ओके, सो आप ये डेफिनेशन अलोंग विद द एग्जांपल आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लो। कम ऑन, डेफिनेशन लिख लिया होगा। ओके, नाउ डेफिनेशन लिखने के बाद मैं आपको कुछ कलेक्टिव नाउन लिखवा रही हूं, वो आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। ओके, सो हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और उसमें हेडिंग दीजिए कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। ओके, उसमें लिखिए नंबर 1 एन आर्मी ऑफ सोल्जर, SOLDIERS, सोल्जर्स। ओके, देन नंबर 2 अ बैंड of musician का जो ग्रुप होता है उसे बैंड कहते हैं। अ मॉक ऑफ पीपल, मतलब पीपल का ग्रुप जो होता है उसे मॉब कहते हैं। देन ए टीम ऑफ प्लेयर, मतलब जो प्लेयर्स का, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं उनका जो टीम होता है उन्हें क्या कहते हैं? जो प्लेयर्स का ग्रुप होता है, वन प्लेयर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं क्रिकेट में आप देखते हो तो उसमें कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर, उसे हम क्या कहते हैं? टीम, राइट? आप कभी ऐसा किसी के नाम से बुलाते हो, ये तो विराट कोहली है, विराट कोहली ग्रुप है? नो, आप क्या बोलते हो? ये इंडियन टीम है, राइट? इंडियन टीम, मुंबई टीम, ऐसे बोलते हो ना। सो प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? टीम। चलो इतना नोट डाउन कर लो। ओके, नंबर 5 लिखिए, अ CROWD, क्राउड। क्या होता है CROWD? क्राउड, अ क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स। Onlookers means, कहीं भी आप जाते हो तो ज्यादा भीड़ होती है, उसे बहुत सारे पीपल एक साथ भीड़ करते हैं ना, उसे क्राउड कहते हैं। बहुत सारे पीपल एक साथ, कोई भी आप यहाँ कभी मॉल में जाते हो या मार्केट्स में जाते हो तो आपको वहां बहुत पीपल दिखाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? Onlookers। और वो Onlooker का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? क्राउड। क्राउड मतलब भीड़। Then a board, board of directors, see board मतलब ना ये व्हाइट बोर्ड में मैं जो लिख रही हूं ना वो बोर्ड नहीं, हाँ
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मींस जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं ना, अभी बड़े कंपनी एक पर्सन से तो थोड़ी ना हैंडल होता होगा, तो वो क्या करते, उनके अंडर बहुत सारे वो डायरेक्टर रखते कि तुम है, तुम यहाँ का ऑफिस संभालो, तुम वहां का ये संभालो, लाइक दैट। उनको अलग अलग ड्यूटीज दी गए थे, अलग अलग कंपनीज दिए गए थे, उन्हें डायरेक्टर्स कहते, जो कंपनी को संभालते, कंपनी का मालिक नहीं है, मालिक को ऑनर कहते, पर उनका जो वर्क जिस पे होता है उसे क्या कहते हैं हम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 7, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। आप सबके लिए क्या होता है, क्लास, वो जो स्टूडेंट्स का फुल ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, क्लास। अब स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं हम, क्लास। देन नंबर 8, ए कंपनी, CAMPAN, कंपनी ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स मतलब हीरो हीरोइन जो एक्टिंग करते हैं, राइट, जो ड्रामा करते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, उन्हें हम एक्टर्स कहते हैं। वो जो कंपनी होती है उनका जो एक्टर्स का जो ग्रुप होता है उन्हें क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। वैसे आपने बहुत टाइम सुना होगा, आपके फ्रेंड्स को बोलते हो कि तुम्हारी कंपनी मुझे अच्छी लगती है, तो फ्रेंड्स का भी जो ग्रुप होता है उसे भी हम कंपनी कह सकते हैं। ओके, सो ये 4 आप नोट डाउन कर लीजिए। सी, और एक चीज, हमने जो ये 8 कलेक्टिव नाउन लिखे ना, ये पीपल के लिए था। पीपल मतलब देखो सोल्जर, वो पर्सन है, फिर म्यूजिशियन, वो भी पर्सन है, पीपल वो तो पर्सन ही है, प्लेयर वो भी पर्सन है, ऑन लुकर्स वो भी पर्सन है, डायरेक्टर्स वो भी पर्सन है, स्टूडेंट्स आप सब भी पर्सन हो, एक्टर वो भी पर्सन है। अब इसके बाद वाला जो हम टॉपिक करेंगे ना वो एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं ना, उसके बारे में लर्न करेंगे। ओके ओके, ना आपने 1 to 8 लिख लिए ना, उसके बाद आप हेडिंग देना एनिमल्स। अब आप जो लिखने वाले हैं ना, पहले हमने जो लिखा था वो पीपल के बारे में लिखा था कि पीपल क्या होता है। ओके, नाउ हम लिखेंगे एनिमल्स के बारे में। अभी एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं वो लिखेंगे। ओके, उसमें आप नंबर 1 लिखिए, अ PACK, पैक मतलब बंद नहीं, हाँ ये ग्रुप है, किसका ग्रुप है, अ पैक ऑफ WOLVES, वुल्व्स। वुल्व्स क्या है, वुल्व का प्लूरल है, वुल्व्स हॉर्न्स जो कहते हैं ना जंगली भेड़ ये वो। ओके, सो पैक ऑफ वुल्व्स और हॉर्न्स, ये जो उनका ग्रुप होता है वुल्फ और हॉर्न्स का, उसे हम क्या कहते हैं, पैक, क्या कहते हैं, PACK, पैक। ये सब आपको कलेक्टिव नाउन लर्न करने हैं, हाँ बच्चों, ये सिर्फ लिखने ही नहीं है। फिर अ हर्ड, HERD हर्ड ऑफ कैटल्स, कैटल्स मतलब शीप, गॉड, काउ, इन्हें सबको कैटल्स बोलते हैं, जिन्हें हम घर पे पालते हैं। ओके, जो पालतू प्राणी होते हैं ना जिसे हम घर पे पालते हैं उसे क्या कहते हैं, हर्ड, जो हमें कुछ देते हैं, मोस्टली उसमें मिल्क एनिमल आते हैं, बफेलो, काउ, शीप, गॉट, राइट, वो उसे क्या कहते हैं, उनके जो ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ड, HERD हर्ड। फिर नंबर 3, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड, FLIGHT, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, फ्लाइट, FLIGHT,
फ्लाई थी, जो बहुत सारे बर्ड्स का ग्रुप आप देखते होंगे इवनिंग के टाइम, एक पूरा ग्रुप जाता होगा, उसे क्या कहते हैं हम, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। फिर नंबर फोर, अ फ्लॉक ऑफ शीप गॉड, गॉड जो पर्टिकुलरली शीप और गॉड का ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक। बट अगर हम सबकी बात करें, काउ, बफेलो, शीप, गॉड, सो उसे क्या कहते हैं, हर्ड। उनका जो पूरा ग्रुप होता है उन्हें क्या कहते हैं, हर्ड। और पर्टिकुलरली आप अगर गॉड, शीप का ग्रुप देखो या गॉड का ग्रुप देखो तो आपको क्या बोलना है, फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक। चलो ये फोर नोट डाउन कर लो नोटबुक में। दिख रहा है आपको फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ गॉड्स। नाउ कम्स नंबर फाइव, ए LITTER, लिटल, लिटल क्या होता है, LITTER, लिटल, अ लिटल ऑफ पप्स, मतलब पप्पी और कब्स। सो जो छोटे छोटे पप्पीज होते हैं, कब्स होते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, लिटल, क्या कहते हैं, LITTER, लिटल। सिक्स, अ प्राइड, PRID, प्राइड ऑफ लायन, जो लायंस के ग्रुप होते हैं, पूरा जो लायंस का ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइड, PRID, प्राइड। फिर नंबर सेवन, अ SHOAL, शॉल ऑफ फिश, जो फिश का ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, शॉल। आपको मोस्टली एक्वेरियम में देखने मिलती होगी राइट, फिश, सो फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं, शॉल, SHOAL, शॉल। फिन नंबर एट, अ SWARM, स्वार्म ऑफ बीज, जो बीज का पूरा ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, स्वार्म, SWARM, स्वार्म। सो जो पपीज होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें क्या कहते हैं, लिटल। लायन का ग्रुप होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्राइड, फिश का ग्रुप को सोल, और बीज के ग्रुप को स्वार्म। चलो ये नोट डाउन कर लो नोटबुक में। ओके, नाउ अगर आपने जब मैं करवा रही थी तब आपने नोट डाउन नहीं किया हो तो आप होमवर्क में ये नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव, कलेक्ट मतलब क्या होता है वो लिखना है, फिर कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद आपको उसके एग्जांपल लिखने हैं, और फिर ये कलेक्टिव नाउन लिखने हैं। पहले एट लिखने हैं वो पीपल के बारे में, फिर आपको एट लिखने हैं वो एनिमल्स के बारे में। ओके, और आज आपको रीडिंग में क्या रीड करना है, आज आपको रीडिंग में ये जो मैंने 16 कलेक्टिव नाम लिखा है, पहले एट और ये बाद के एट, सो ये आपको मुझे रीड करके भेजना है। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।